नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे राहुल गांधी का विरोध। बनासकांठा में लोगों ने कार पर किया पथराव। रैली में मोदी मोदी के लगे नारे। राहुल गांधी बोले, विरोध से मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क। मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने पर बवाल। राज्यसभा में सपा सांसदों ने किया हंगामा। नरेश अग्रवाल ने कहा, जिनका कोई योगदान नहीं उनके नाम पर क्यों रखे जा रहे हैं जगहों के नाम। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक और झटका। एमएलसी सरोजनी अग्रवाल ने भी दिया सपा से इस्तीफा। पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद ही थामा बीजेपी का हाथ। कल चुना जाएगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के गोपाल कृष्ण गांधी में होगा मुकाबला। जीत के लिए नायडू की दावेदारी मजबूत। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के मंत्री। आवास मंत्री प्रकाश मेहता ने कहा, सीएम कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा। नियमों की अनदेखी कर जमीन बिल्डर को देने का है आरोप। केरल में 13 महीनों में 14 स्वयंसेवकों की हत्या पर भड़का आरएसएस। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, हत्या मामले में सख्त कार्रवाई करे राज्य सरकार। परिजनों से अरुण जेटली भी करेंगे मुलाकात। पी चिदंबरम के बेटे को लुक आउट नोटिस जारी। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने जारी किया नोटिस। कार्ती ने मद्रास हाईकोर्ट में ली है शरण। गैर कानूनी हथियार मामले में सलमान की पेशी। जोधपुर कोर्ट में 20,000 का बेल बॉन्ड भर तुरंत हुए रवाना। 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 88 अंक चढ़कर हुआ बंद। निफ्टी 10,066 के स्तर पर सिमटा। और श्रीलंका टेस्ट में भारत ने फिर खड़ा किया रनों का पहाड़। भारत ने घोषित की 622 रनों पर पारी। शुरुआत में ही लड़खड़ाई श्रीलंका की टीम। 2 विकेट पर बनाए 50 रन। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।